सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रियलमी का यहाँ पे कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, रियलमी 5, 5i, 5s या फिर रियलमी के ओल्ड डिवाइस जितने भी हैं, या फिर रियलमी के जो न्यूली डिवाइस है उनको यूज करते हैं, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने रियलमी डिवाइस में यहाँ पे एंड्रॉइड 12 का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन सेंटर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस में। आप रियलमी का ओल्ड एंड न्यूली डिवाइस सब में आप इस फीचर को जो यूज कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जो Realme UI 3.0 है, आपको पता है ये बेस्ड है Android 12 पे, मतलब यहाँ पे Android 12 के जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी फीचर्स होंगे, वो हमको Realme UI 3.0 में जो है देखने को मिलेंगे। अब ऐसे में यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में, आप Realme के किसी भी डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्टेप वाइज देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर ये ट्रिक वर्क करे तो डेफिनेटली एक लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, साथ में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। एंड साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप भी अगर नोटिफिकेशन सेंटर डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पे अपने डिवाइस में, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा देखने को, वहां पे आपको एंड्रॉइड 12 का एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन सेंटर का, उसको आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। आप रियलमी का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है, ओल्ड हो, न्यू हो, रियलमी वाई 1.0 हो जो कि एंड्रॉइड 10 पे है, रियलमी वाई 2.0 है जो कि एंड्रॉइड 12 पे है, कोई भी वर्जन, कोई भी यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं, तो सारे डिवाइस में आप वर्क इस चीज को करवा सकते हैं। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ठीक है, पहले आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, फिर उसके बाद जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 का मिल जाता है, आपको सिंपली इसको जो है डाउनलोड कर लेना है, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है दिया गया है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और आपको पता ही होगा कि रियलमी वाई 3.0 ये एंड्रॉइड 12 पे ही जो है वर्क करता है। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं, जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन इनेबल जो है ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इसको इनेबल कर लेना है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 12 पे जाके आपको इसको इनेबल कर लेना है, इसको जस्ट ओके क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बैक चले आना है और आपको फिर से एक बार बैक कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से आप देख लेना है, चेकआउट कर लेना है कि भाई ये इनेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये इनेबल हो चुका है, यहाँ पे आपको चले जाना है, टैप कर देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप चाहे तो डू नॉट डिस्टर्ब पे भी जो अलाउ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी चीजें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, एक पॉपअप आ जाता है, ठीक है, आपके पास की इनेबल करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसको जो है यहाँ पे चाहे तो यहाँ से एक्सेस दे सकते हैं, अदरवाइज जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम इसको यहाँ से इनेबल कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको इनेबल करते हैं और एंड सिंपली आपको बैक ले लेना है, बैक लेने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है इनेबल नोटिफिकेशन, आपको सिंपली जो है बैक ले लेना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो एंड्रॉइड 12 का ऊपर आपको मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, आपको करना क्या होगा, इस पर टैप करना है और नोटिफिकेशन को एक्सेस देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हेलो नोटिफिकेशन एक्सेस, इसको सिंपली ऑन कर देना है। अब सिंपली आपको बैक चले आना है, ठीक है, और बैक आने के बाद आपको सिंपली जो है यहां से आप बैकग्राउंड भी जो सेट कर सकते हैं, अगर मतलब आपको करना हो यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए तो इसमें आप सेट कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जैसे इसको टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पे एज एंड्रॉइड 12 आपको अपने डिवाइस में जो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल है, बल्कि यहाँ पे इनफैक्ट इसको मॉडिफाइड बिल्कुल आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन पैनल, ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पे न्यूली टाइप का जो है मॉडिफिकेशन जो है देखने को मिलता है। भाई काफी यहाँ पे लिटरली बोलूं मैं तो भाई काफी अच्छा लुक दे रहा है यहाँ पे अपने डिवाइस में, ठीक है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे जो इंस्टॉल किया हुआ है, भाई ऐसा लग रहा है कि डिवाइस में जो है एंड्रॉइड 12 ही पूरे तरीके से आ चुका है। बट यहाँ पे बैकग्राउंड में हम जैसे टैप करते हैं, आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जो इस पे बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं, मेरे पास फिलहाल मैंने बैकग्राउंड सेट नहीं किया। ये देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन जो है नजर आ रहे हैं, जैसे आप स्वैप डाउन करेंगे नीचे की साइड में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है वाईफाई मिल जाता है, म्यूट मिल जाता है, ऑटो रोटेशन मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, फ्लाइट मोड मिल जाता है, मतलब कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग में टैप करेंगे आप डायरेक्टली जो अपनी डिवाइस के सेटिंग में जो है चले आएंगे तो भाई यहाँ पे इतने तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ब्राइटनेस जो एडजस्टमेंट वो यहां पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग जो है लुक हमको देखने को मिल जाता है और काफी अच्छा एक यहां पे पैटर्न मिल जाता है, जिससे जो है आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को Realme UI 3.0 जो कि एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है उस पर आप जो है चेंज कर सकते हैं अपने डिवाइस में। रियलमी का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं सारे चीजें जो यूज कर सकते हैं, तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।